धर्मराज जी, बिना प्रभु के संज्ञान में यदि मैंने उनकी तुरंत में मृत्यु बाण रखा तो ये अधर्म और अनुचित होगा। हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम धर्म और अधर्म की दुविधा से बाहर निकल सकोगे। एक समय उतथ्य नाम का एक युवक था। एक श्राप के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी और उसके परिजनों ने उसे मूर्ख कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। भले ही उतथ्य बुद्धिहीन है किंतु उसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है, हनुमान। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक समय महादेव शिव और नंदी ने उतथ्य के सत्य वाचन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने आखेटक का रूप धारण किया एवं नंदी हिंसक शूकर बन गए और शीघ्र ही आखेटक शिव अपना धनुष बाण लिए शूकर का पीछा करने लगे। हिंसक शूकर भागते भागते उतथ्य की ओर आने लगा। भय के मारे उतथ्य के मुख से अकस्मात ही देवी आदि शक्ति का प्रथम बीज मंत्र प्रस्फुटित हुआ। हे युवक, क्या तुमने मेरे आखेट को इस ओर आते हुए देखा है? चुप क्यों हो? बताओ, उस शुकर को आखेट करके मैं अपने परिवार के लिए आज रात के भोजन का प्रबंध कर लूंगा। तुम्हें भी इसका पुण्य मिलेगा। बताओ कहां छुप गया है वो शुकर? क्या करूं मैं? सत्य बोलता हूं तो एक जीव के प्राण की हानि होगी और यदि असत्य बोलकर उस जीव की रक्षा करता हूं तो असत्य वाचन का दोष लगेगा, अधर्म होगा ये। फिर क्या किया उसने? उस दुविधा से कैसे मुक्त हुआ उतथ्य? बुद्धिहीन होकर भी उसने उचित निर्णय लिया। शुकर उस ओर गया है। उस जीव के प्राण बचाने के लिए उतथ्य ने असत्य बोला, तब तो वो अवश्य ही भोले बाबा की परीक्षा में असफल हो गया होगा। हनुमान, असत्य बोलकर भी उसने धर्म का पालन किया था। उतथ्य के झूठ बोलने से आखेटक क्रोधित हो उठा। तुमने मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस कैसे किया? सब तो यही कहते हैं कि तुम कभी भी असत्य वाचन नहीं करते हो। अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, मैंने असत्य बोला है, लेकिन मेरे छोटे से असत्य ने उस निर्दोष जीव के प्राण की रक्षा की है। मेरे इस छोटे से अधर्म से एक बड़ा धर्म का कार्य हुआ है। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या, ये शुकर यहाँ वापस क्यों आ गया?
महादेव, महेश्वरी, नंदी जी, आप सबके दर्शन से इस मूर्ख उतत्य का जीवन धन्य हो गया। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। उठो उतत्य, भले ही तुमने मिथ्या वचन कहे किंतु कोई अधर्म नहीं हुआ है तुमसे। मेरी परीक्षा में सफल रहे तुम। मुझे दुविधा से उबार कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। तुम्हारा ये कृत्य संसार के समक्ष उदाहरण बनेगा कि असत्य संभाषण से यदि सबका कल्याण होता है तो वो असत्य धर्म नहीं होगा, और जिस सत्य से किसी निर्दोष का बुरा होता है वो सत्य होकर भी अधर्म कहा जाएगा। तुमने अपने असत्य से एक जीव की रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया है उतत्य कि बड़े उद्देश्य बड़े कार्यों के लिए यदि छोटे नियम तोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाते। मैं मूर्ख या जानू माता कि क्या धर्म क्या अधर्म, मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। ये मूर्खता नहीं बुद्धिमानी कहलाती है उतत्य। और यही नहीं, तुम्हारे मुख से अनायास ही मेरे प्रथम बीज मंत्र एम का प्रस्फुटन भी हुआ है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम मूर्ख उतत्य नहीं महामुनि उतत्य के नाम से जाने जाओगे। मैं कृत कृत हूँ माता, आप सबको कोटि कोटि नमन। तुम्हारा कल्याण हो उतत्य। परिस्थितियों के अनुसार ही ये निश्चित होता है कि कौन सा कार्य धर्म संगत है और कौन सा अधर्म है। अर्थात इस धरती से अधर्म एवं पाप का बोझ उतारने के लिए अधर्मी रावण का अंत होना आवश्यक है, और इसके लिए यहां से मृत्यु बाण को इस प्रकार ले जाना अधर्म नहीं है। तुम्हारा कार्य पूर्णतः धर्म संगत है हनुमान, किंतु अभी भी एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। अब कैसी दुविधा धर्मराज जी? वो दुविधा ये है हनुमान कि प्रभु इस बाण को चलाएंगे कहां। हनुमान, रावण को ब्रह्मदेव से आशीर्वाद स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई है जिसे उसने अपने नाभि स्थल में धारण किया है। उसने नाभि स्थल को इसलिए चुना क्योंकि नाभि स्थल पर वार करना युद्ध के नियमों के विपरीत है। अतः मुझे संदेह है कि प्रभु युद्ध के नियमों के विरुद्ध ये कार्य कदापि नहीं करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए धर्मराज जी? हनुमान, तुम्हें प्रभु के तुणीर में यह बाण तो रखना ही है, किंतु प्रभु जब बाण चलाएंगे तब तुम्हें इस बाण का लक्ष्य परिवर्तित भी करना होगा। प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। भविष्य में मेरे आदेश पर तुम ऐसा करोगे। मैं अंजने हनुमान आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार उचित समय आने पर मैं प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करूंगा। बाल्यावस्था में ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे यही वचन लिया था। ऋषिवर अगस्त को भी ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त अमृत को रावण ने अपनी नाभि में छुपा कर रखा है। हनुमान, अब तो तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है ना? जब धर्मराज ने मुझे स्वयं इस संशय से निकाल लिया, ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे वचन लिया, तब कैसे मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने से पीछे हट सकता हूं?
प्रभु के तुणीर में ये बाण रखूंगा। समय आने पर इसका लक्ष्य परिवर्तन भी करूंगा। अब अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। विजय होगी। विजय होगी। विजय होगी। मेरे मेरे प्रभु श्री राम की विजय हो। राम की विजय हो। राम की विजय हो। प्रणाम धर्मराज जी। सफल मनोरथ भव। ये क्या, ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं ये किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं है? शब्द विजय पर्याय कपीसा, बल अपार मुख तेज रवीसा, रावण दोष्ट का मृत्यु बाणा, प्राप्त किए देखो हनुमाना। रघुनंदन रावण की लड़ाई, अंत चरण हनुमत पहुँचाई, काज प्रभु के कपि किए पूरे, इनके बिना रघुराई अधूरे। ये हो क्या रहा है? इतने अपशकुन अकस्मात ही दिखाई देने लगे, कहीं कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं? नहीं नहीं, ये सब, ये शुभ शकुन, आज मुझे बड़े ही सुख का आभास हो रहा है। अवश्य ही ये अपशकुन अनर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रभु, प्रभु रक्षा करना मेरे स्वामी की। ये शुभ शकुन संकेत दे रहे हैं कि शीघ्र ही स्वामी अंत कर देंगे अधर्म का एवं अधर्मी रावण का। प्रभु, ये सत्य है कि मेरे स्वामी ने सदैव अधर्म का ही अनुकरण किया है, किंतु मैंने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं अपने धर्म की दुहाई देती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे सौभाग्य सिंदूर को मत उजड़ने दीजिए प्रभु। मंदोदरी, अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती हो तो सौभाग्य की समस्त सामग्री एकत्रित करो एवं उसे किसी ऐसी सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री को अर्पित करो जो तुमसे या हमारे परिवार से संबंधित ना हो। कहते हैं कि यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री सौभाग्य सामग्री को स्वीकार करके सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष दे दे तो भाग्य का लेखा भी परिवर्तित हो जाता है। अब यही एक अंतिम उपाय शेष है, अन्यथा रावण के पापों का प्रायश्चित अब मात्र उसकी मृत्यु ही है। उनकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किंतु लंका की समस्त स्त्रियां तो विधवा हो चुकी हैं। सौभाग्यवती और हमारे परिवार की ना हो ऐसी कोई स्त्री तो शेष बची ही नहीं है लंका में। है, अभी भी एक स्त्री शेष है लंका में, कदाचित मेरे सौभाग्य से ही वो शेष बची होगी। कौन है वो, कहाँ है वो? अशोक वाटिका में, अर्थात देवी सीता। सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होने के कारण
सीता सौभाग्य सामग्री को ठुकरा भी नहीं सकती। उसे तुम्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष देना ही पड़ेगा, और चूंकि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश है, इसलिए उसके मुंह से निकला हुआ आशीष निष्फल नहीं हो सकता। किंतु सीता, मात्र सीता ही अब एक अंतिम आशा शेष है रावण के जीवन की रक्षा के लिए। अब इस राक्षस के जीवन की कोई आशा शेष नहीं है। इसकी मृत्यु का बाण प्रभु के तुणीर में पहुंच चुका है। हाँ, विभीषण जी ने बताया था इसके बारे में। भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। मैं जानता था कि आप कभी भी प्रभु श्री राम के काज में असफल नहीं होंगे। कुछ भी करके आप मृत्यु बाण को लाने में सफल अवश्य हो जाएंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज सूर्यास्त से पूर्व ही भैया राम इस मृत्यु बाण का प्रयोग अवश्य करेंगे। हाँ लक्ष्मण भैया, आज के सूर्यास्त के साथ ही पाप का साम्राज्य भी अस्त होने वाला है। नारायण नारायण। अब प्रभु के हर एक वार के साथ ही अधर्मी रावण अपने अंत के निकट पहुंचता जाएगा। देखना, अब प्रभु निकालेंगे रावण की मृत्यु का बाण। Ha 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 ha
धर्म की रक्षा के लिए किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं होता।